हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप कहेंगे ये आज मैम बच्चों की पिक्चर्स वगैरह कैसे लेके बैठी हैं। एक्चुअली बच्चों, 10th बोर्ड देने के बाद आप लोग बहुत खुश होंगे, और होना भी चाहिए कि आप 10th बोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर करके आए हो, अच्छे मार्क्स लेके आए हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हैप्पी हो कि हमने 11th में आ गए हैं और हम पीसीएम पीसी भी हमने ले लिया है। साइंस साइड जैसे आपने अपनी पसंद से ले ली होगी, तो ठीक है, बढ़िया है, खुश होना चाहिए क्योंकि आपका अचीवमेंट है। आपने 10th बोर्ड पहली बार दिया है और इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुश हूँ आपके लिए, सबके लिए। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि हम कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं 11th में आने के बाद। हम पीसीएम पीसीबी ले तो लिया, किसी ने समझाया, किसी ने थोड़ा सा गाइड किया, या फिर हमने अपनी चॉइस से कर लिया कि हम मैथ्स अच्छा लगता है हम मैथ्स लेंगे, या बायो अच्छी लगती है तो बायो ले लेते हैं। लेकिन हमें अभी भी पाथ अपना क्लियर नहीं होता कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम कैरियर वाइज क्या ले आगे क्या करना चाहते हैं। या हमने पीसीएम पीसीबी लिया लेकिन हम उसमें करेंगे क्या आगे, तो हमें कैरियर वाइज समझ ही नहीं आता है। कोई तो पीसीएम लेने के बाद ये भी सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ। इंजीनियरिंग में भी तो 10 तरह की इंजीनियरिंग्स हैं, कहाँ से करना है, किस ब्रांच में करना है ना। और ऐसे ही बायो वाले का खाली मेडिकल ही थोड़ी होता है कि डॉक्टरी लाइन ही है बस उसके बाद ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप मेडिकल के अलावा, मेडिकल में आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। ठीक है, कोई कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खाली एक ही स्ट्रीम पर आप फोकस करके कर सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो, लेकिन एक नैरो पाथ में चलना ठीक नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकल का सोच रहे हो और कल को आप मेडिकल में नहीं जा पाए, या आप माइंड चेंज हो गया कि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का पाथ है। देन इन दैट केस आप बायो के साथ आप और कौन कौन से ऑप्शंस में जा सकते हो, उसी पार्ट में आपका यदि नॉलेज है, आपका थिंकिंग अच्छी है उसमें काम करने की, आपको मन करता है कि मेडिकल लाइन ही हो, लेकिन प्रॉपर मेडिकल लाइन के अलावा भी आपके पास बहुत सारे पाथ होंगे जिसमें आप कैरियर अपना बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 11th में भी आने के बाद भी अभी भी कभी ना कभी अकेले बैठ के या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कंफ्यूज रहते होंगे कि मैंने ले तो लिया साइंस या मैथ्स या बायो स्ट्रीम ले लिए, लेकिन आगे क्या होगा, व्हाट अबाउट माय कैरियर, कि मैं 11th के बाद 12th में आ जाऊंगा तो 12th के बाद मैंने क्या करना। और बेटा यही टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है जब आप अपने बारे में, कैरियर के बारे में सोच भी सकते हो अच्छे से, क्योंकि यू आर हैविंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ। 12th में आने के बाद तो हम मार्क्स के पीछे ही दौड़ते चले जाते हैं कि हमें 90+ लाना है, हमें 95+ लाना है, तो हम उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। सारा साल हमारा 12th का उसी काम में ही निकल जाता है, और हम जब तक 12th कंप्लीट होती है उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने बारे में, कैरियर के बारे में सोचने का अच्छे से बैठ के। तो दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर कैरियर। तो अन अकेडमी जो है वो कैरियर क्वेस्ट लेके आया है, 28 और 29 दो दिन आपका आपको कैरियर से रिलेटेड पूरी गाइडेंस मिलेगी वहां पर, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अटेंड करना है और उनसे सीखना है, जानना है उन कैरियर के बारे में कि आप किस ब्रांच में जा सकते हो। स्पेशलिस्ट आएंगे और हर कैरियर की बहुत पहुंचे हुए जानी मानी हस्तियां आएंगी एंड आपको गाइड करेंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगनी, कुछ नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, आपको सिर्फ वो अटेंड करना है और अपने कैरियर के बारे में बैठ के अच्छे से प्लान आउट करना है। तो 28 और 29 दो दिन हैं जहाँ जब ये आपको गाइडेंस मिलेगी। सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा और आप जिस भी ब्रांच के गाइडेंस चाहते हो, और ये खाली आपके लिए नहीं, आपके पड़ोस में कोई हो जिसे नहीं मालूम है, आपके छोटे भाई बहन जो 9th और 10th में हों, जिन्हें 11th में अब सब्जेक्टिवली गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनको सबको बताइए आप कि ये अटेंड करें,
28 और 29 को, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इससे बहुत अच्छी आपको गाइडेंस मिलने वाली है, आपको कैरियर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आज के टॉपिक पर। लेकिन उससे जाने से पहले मैं, जो जितने भी चैनल पर नए होते हैं, उन नए आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं कि माई सेल्फ इज संध्या राय एंड आई एम MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट। मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं, एक्सपीरियंस है मुझे 25 साल से ज़्यादा का बोर्ड क्लासेस पढ़ाते हुए, और मैंने स्कूल में ही काम करते हुए HOD और सीनियर कोऑर्डिनेटर और चेकिंग बोर्ड की चेकिंग में AHE पोजीशन पर काम किया है। सब हमारे चैनल के, जो आप जानते हो, आप DSL चैनल से जुड़े हो, आपने देख रहे हो DSL चैनल पर ही ये वीडियो, तो हमारे DSL चैनल के सब्सक्राइबर जो है वो अप्रोक्स 13K हो चुके हैं। और मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि टू शेयर द एक्सपीरियंस, कि डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ आकर शेयर करें। एंड मैं जो है प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वगैरह के एक्टिविटीज़ से ही मैंने इसे शुरुआत किया था। और आज हम टॉपिक वाइज हम जो है डिस्कस भी कर रहे हैं, लेक्चर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट के हमारे यहाँ साइंस से फिलहाल तो साइंस 10th और 11th 12th केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी टीचर्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं। एंड हो सकता है हमारा जो एक्सपेंशन हो वो कॉमर्स ब्रांच के लिए भी जल्दी ही हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आज का बच्चों टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन का, फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल एंड रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लास्ट टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सब ऑल पढ़ा था, एंड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। जिसका भी वो वीडियो मिस हो गया हो या देखा ना हो तो वो जरूर जाके चेक करें, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखिए। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा या नहीं होगा, सेल वर्क करेगी, फिजिबल होगी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक सेल या एक रिएक्शन विल रन और नॉट, ये टोटल डिपेंड करता है उस सेल की इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अभी हम अदर देन स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं ले रहे, उसके बारे में हम 12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, वेयर द टेम्परेचर इज 273 केल्विन, 1 bar प्रेशर एंड 1 molar कंसंट्रेशन पर सेल काम कर रही है। उस सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसे जानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के समेशन पर डिपेंड करता है। तो वी विल प्लेस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वैल्यू एंड माइनस एनोड वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इन दोनों को माइनस करने के बाद यदि टोटल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स सेल जो है वो 100% आपको कुछ ना कुछ करंट पास ऑन करेगी, वर्क करेगी, पर करेगी सेल वो पोटेंशियलिटी जितनी भी आएगी उसकी, लेकिन 100% आपको काम मिलने वाला है उससे। लेकिन यदि इसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद यहाँ वैल्यू आती है टोटल नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का क्या आए, नेगेटिव, दैट मीन्स सेल जो है वो वर्क नहीं करने वाली, आपने कैथोड और एनोड रिवर्स लगा दिए हैं और गलत सेल जो है वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, आपको करंट नहीं मिलने वाली। एंड इफ इट्स वैल्यू इज जीरो, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ये आती है जीरो, और उसका मीनिंग क्या है कि सेल जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, दोनों सेल जो है वो सेम पॉइंट पर हैं, कोई भी हाई और लो पोटेंशियल पर नहीं है। और जब तक एक सेल हाई ऑक्सीडेशन और एक लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर यू कैन से एक हाई रिडक्शन और एक दूसरा लो रिडक्शन पोटेंशियल पर नहीं होती आधी सेल्स, तब तक आपको
पूरी सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं मिलता। हमेशा याद रखिए, फ्लो ऑफ करंट तब होगा जब एक पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरा जो है वो लो पोटेंशियल पर हो। जैसे कि हमारे घर में भी आने वाली जो करंट है उसमें एक वायर जो है जीरो पोटेंशियल पर रहती है और दूसरी वायर जो है वो 220 वोल्ट्स पर रहती है। इसीलिए जब भी आप दोनों वायर्स को लगाते हैं थ्री पिन या टू पिन में तो फ्लो ऑफ करंट आपको मिलता है, क्योंकि 220 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगते हैं एंड करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर जाती है। ऐसे ही एक वेट सेल, एक डेनियल सेल, एक गैल्वेनिक सेल कब काम करेगी? जब एक सेल हायर पोटेंशियल पर होगी और दूसरी सेल लोअर पोटेंशियल पर होगी। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक सेल वर्क करेगी या नहीं? तो ऐसे ही नहीं पता चलेगा आपको। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है फिजिबिलिटी ऑफ सेल या रिएक्शन और नॉट। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज के टेबल से देखना है और ये प्रिडिक्ट करना है कि इन दोनों आयंस के बीच में सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। Fe3+ एक्वस सॉल्यूशन में है और आयोडाइड आयन माइनस के एक्वस सॉल्यूशन में है आयंस, ये वेदर दे विल रिएक्ट विद ईच अदर और नॉट, एंड इनकी वैल्यूज आपको टेबल से देखनी है जो मैं अभी नेक्स्ट इसमें आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगी। तो आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन एक समझा देती हूँ और जब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर दूंगी तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करेंगे एंड देन मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है इसमें, साथ में सॉल्यूशन समझा रही हूँ, देन आप मेरे साथ आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ देखिए कि कैसे किया जाता है। Fe+3 जो आयन है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 और इट कैन चेंज इनटू +2 वैल्यू। तो +2 वैल्यू में चेंज होने का जो इसका पोटेंशियल है वो कितना दिया है, 0.77 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमें टेबल से पिक किया है ये वैल्यू। आई जो है वो अपनी हाईएस्ट आई माइनस की फॉर्म में है, ये रिड्यूस हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है इसका इजीली। तो आई माइनस से आई में चेंज होने के उसका जो एनोड वो एनोड की तरह वर्क करेगा, वहां पर एनोडिक रिएक्शन देगा एंड इट इज हैविंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.454, ये मैंने टेबल से ही पिक किए हैं, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हैं। इनमें से जो Fe+3 है, क्योंकि वो Fe+2 में चेंज होने हो सकता है क्योंकि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब वो लो में जा सकता है लेकिन उससे हायर नहीं जा सकता, तो इसका होगा रिडक्शन एंड इसलिए ये वाली जो वर्क सेल है ये हम कैथोड की तरह यूज करेंगे। आई जो है वो रिएक्शन में हमें दिया था आई माइनस की फॉर्म में, ये -2 तो बन नहीं सकता, आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि आई -2 होता है, ये आई माइनस से ऑक्सीडाइज होकर आई में चेंज हो सकता है, एनायन से न्यूट्रल एटम में जा सकता है, तो इसका हो सकता है ऑक्सीडेशन इजीली और जिसकी वैल्यू है 0.54 एंड इट विल वर्क एज अ एनोडिक रिएक्शन। तो ये हमें कैथोड और एनोड के बारे में पता चल गया उनकी हायर वैलेंसी से। अब हम इनकी पोटेंशियल वैल्यूज को रखेंगे सेल की रिएक्शन में, जो मैंने अभी इक्वेशन बताई थी आपको ई नॉट सेल में, एंड ये प्लेस की वैल्यूज हमने दोनों की यहाँ से और वैल्यू आ गई 0.23 वोल्ट्स, इट मीन्स ये आ रही है पॉजिटिव एंड इसका मतलब ये है कि Fe3+ और आई माइनस जो है दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा एंड ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल हो सकती है। तो इट मीन्स ये ऐसी सेल जिसमें ये रिएक्शन मतलब ये हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले हों वहां रिएक्शन 100% उनके बीच में होगी। ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेम पैटर्न पर दे रही हूँ, आप वीडियो ये पॉज करेंगे एंड देन इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन है बिटवीन द सिल्वर सॉलिड एंड Fe3+ एक्वस, इनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं, फिजिबल है या नहीं, ये आपको बताना है, और जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का और Fe3+ का ये यहाँ मैंने दे दिया है टेबल से निकाल के आपकी कन्वीनियंसी के लिए।
अदरवाइज आपको टेबल से खुद देखना होगा। तो आप पॉज करिए एंड ट्राई करके देखिए, आई थिंक आपने किया होगा। और मैं अब आपसे इसका आंसर डिस्कस कर रही हूँ। सिल्वर जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है यहाँ पर, और सिल्वर आयन की फॉर्म में ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये सिल्वर आयन की फॉर्म में चेंज हो जाए, क्योंकि सिल्वर एटम की फॉर्म में यहाँ पर है। तो ये यदि सिल्वर से सिल्वर आयन बनता है तो इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन जाएगा होगा इसका, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। ऑन द अदर हैंड Fe3+ जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, और ये रिड्यूस हो सकता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय टेकिंग द वन इलेक्ट्रॉन। तो Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हमने पॉसिबिलिटी देखी, और उसमें Fe2+ में चेंज हो गया रिडक्शन से, एंड वी नो रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर। ठीक है, अब इन दोनों को कैथोड और एनोड की वैल्यूज लेकर, इनकी दोनों जो मैंने अभी क्वेश्चन में यहाँ दी थी, यहाँ से आप इन दोनों की वैल्यू को कैथोड और एनोड की वैल्यू मानकर इसे आप फॉर्मूले में रखेंगे इलेक्ट्रोड सेल, पूरे सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, एंड इट्स वैल्यू विल कम -0.03 वोल्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आ गया है, माइनस का मतलब है सेल रिएक्शन काम नहीं करेगी, इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो सकता, रिएक्शन हो ही नहीं सकती। आप इन दोनों को सेल में एक सॉल्यूशन में डाल के रख दीजिए, एक इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों का रख दीजिए कंटेनर में, लेकिन रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि माइनस में आ रही है टोटल सेल की वैल्यू, तो इट द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये सेल रिएक्शन के करने हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाली हूँ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैटर्न ये भी आ सकता है क्वेश्चन का कि आपको जो है दो अलग अलग आयंस ना देख के आपको ये पूछ लें थियोरेटिकली कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में रख सकते हैं या नहीं। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट और नॉट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि अब आप फाइंड आउट करिए कि रिएक्शन होगी या नहीं। तो अगेन आप पॉज करेंगे एंड देन खुद सोच के देखेंगे कि होगी या नहीं, एंड मैं आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ, देन उसके बाद आप चेक करेंगे। तो यहाँ कॉपर सल्फेट क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑब्वियसली वो दो आयन्स की फॉर्म में ब्रेक है सॉल्यूशन में, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। कॉपर आयन्स मान लेते हैं हम कि कॉपर आयन्स जो है वो क्या करता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है रिडक्शन की बहुत अच्छी, तो कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो जाएगा। अब ये वर्क करेगा एज अ कैथोड, और क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वो दे रहा है जिंक, जो कंटेनर के अंदर जिंक के एटम्स हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे बाय ऑक्सीडेशन। तो कंटेनर में से जिंक जो है वो निकल निकल के आयंस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा बाय ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन हम मान लेंगे एनोड पर हो रही है, एनोडिक रिएक्शन है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर लेता रहेगा और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होता रहेगा, सेटल डाउन होता रहेगा, लेकिन उस जगह बदले में नहीं जाएगा जहां से जिंक निकला है। तो यहाँ देखते हैं अब क्या ये रिएक्शन जो हमने सोची है ये पॉसिबल है या नहीं। हमने दोनों की वैल्यूज को ई नॉट कैथोड -ई नॉट एनोड में रख के कैथोड और एनोड की वैल्यूज को यहाँ प्लेस किया और फाइंड आउट की द टोटल वैल्यू ऑफ द सेल, एंड नाउ देख सकते हैं आप वी आ रही है पॉजिटिव। इट मीन्स 100% यहाँ रिएक्शन दोनों के बीच में होगी, फिजिबल है, और जिंक जो है वो कंटेनर में से निकल निकल के कॉपर आयन को रिड्यूस करता रहेगा और खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा, जिंक आयन की फॉर्म में आता रहेगा, एंड एक टाइम आएगा जब उसमें होल्स बन जाएंगे, छेद हो जाएंगे कंटेनर में। तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में नहीं रख सकते। हाँ, हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को हम कॉपर के कंटेनर में रख दें,
देन इन दैट केस रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे और देखेंगे वो आएगी नेगेटिव, इट मीन्स हम वहाँ रिएक्शन उनके बीच में होगी नहीं और कंटेनर एज सच रहेगा, उसमें होल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको बच्चों ये समझ आ रहा है कि थियोरिटिकली भी ये ऐसे क्वेश्चन डाल के पूछा जा सकता है कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर जो है वो कहाँ से मिलना है, हमें उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम इस सेल की रिएक्शन इक्वेशन में वैल्यूज को प्लेस करके देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फिजिबिलिटी के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।